मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने प्लेनेटरी मोशन के लिए केपलर्स के लॉस पिछली क्लास में देखे थे और साथ ही गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं के अधीन जो सॉल्यूशन है केंद्रीय बलों के अधीन गति करते हुए पिंड की जो इक्वेशंस गति की इक्वेशंस हमने निकाली थी वहाँ पर हमने अगर गुरुत्वीय बल लेते हैं तो उसके अधीन गति करते हुए पिंड के लिए उसकी गति के समीकरण के हल की भी बात करी थी। तो इसमें हमने उत्केंद्रता एप्साइलन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन आती है आर की वैल्यू क्या आई थी, पी अपॉन वन प्लस एप्साइलन कोस थीटा, और यह एक कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन को व्यक्त कर रहा था। तो यहाँ पर जो एप्साइलन है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रिसिटी, और इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 9 से यहाँ से निकाली थी। एप्साइलन इक्वल्स टू हमारा आया था 1 + 2 EJ² अपॉन MK² पावर हाफ। अब देखिए, अगर मैं इसे कार्तीय निर्देशांकों में इस पथ का समीकरण लिखना चाहूँ तो क्या करेंगे, x = r cos थीटा और y = r sin थीटा की फॉर्म में से रखेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 5 में, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है r = p/1 + epsilon cos थीटा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, r + r epsilon cos थीटा = p, और यहाँ पर हम r की जगह रखेंगे √x² + y² r = √x² + y², तो यहाँ पुट कर दिया, प्लस आर कोस थीटा, जो सेकंड टर्म में आर कोस थीटा उसकी जगह एक्स रख दिया, तो ये हो गया एप्साइलन एक्स इक्वल्स टू पी, और √x² + y² = p - epsilon x। देन हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो हो गया x² + y² = p² + epsilon² x² - 2p epsilon x। पी स्क्वायर के अलावा सारी जो राशि है हमने उसे लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया तो ये इक्वेशन नंबर 10 हमें मिल गई। अब देखिए डिफरेंट केसेस लेते हैं हम इसेंट्रिसिटी के ऊपर। पहला केस हमने लिया कि यदि एप्साइलन इक्वल्स टू 1 हो, एप्साइलन इक्वल्स टू 1 होगा तो इक्वेशन नंबर 10 से देखिए, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, सेकंड टर्म में 2px + y² = p² तो y² = होगा -2εpx + p², तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं y और x, इनकी इक्वेशन एक तरह से y² = 4ax + c लाइक पैराबोला है, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन को व्यक्त कर रहा है। तो जब इसेंट्रिसिटी 1 होती है तब कण के पाथ का समीकरण या कण का जो पाथ होता है वो एक पैराबोलिक पाथ होता है। फिर देखिए केस सेकंड में यदि एप्साइलन लेस देन 1 हो तो इक्वेशन 10 में दोनों ओर εp² / 1 - εp² दोनों साइड में हम ऐड कर देंगे इस राशि को। तो देखिए इक्वेशन नंबर 10th में हमने इसको ऐड कर लिया एंड देन सिंप्लीफाई कर लिया, इक्वेशन नंबर 12 तक हम पहुंच गए क्योंकि ऑरली ये सब चीज़ें बताना इन स्पाइट ऑफ राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड थोड़ा मुश्किल होता है, तो इन स्टेप्स को आप समझेंगे एंड हम डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 12 में हमने राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उसको लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा 1, और लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी जो भी आएगी उसको हमने इस फॉर्म में रख दिया x + x0² / a² + y² / b² यहाँ पर जो एक्स नोट है उसकी जगह है εp / 1 - ε² जिसको हमने एक्स नोट माना है, और जो ए और बी हैं वो उनकी वैल्यू है a = p/1 - ε² एंड b = p/√1 - ε² तो जो इक्वेशन हमने ऑब्टेन करी है यहाँ पर ये एक दीर्घ वृत्त की समीकरण है जहाँ पर ए और बी इसके दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष को व्यक्त कर रहे हैं। स्थिति थर्ड हमारे पास आती है कि यदि एप्सिलॉन को 0 पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² + y² = p² और p² की जगह क्या है, j² / mk
तो ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर की फॉर्म में है, यह एक वृत्त की समीकरण को व्यक्त करता है। तो कण का जो पाथ होगा वो वृत्त होगा, वृत्त के ऊपर कण का मोशन होगा। यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन वन होता है, तो इक्वेशन 12 से ये जो इक्वेशन आती है एप्सिलॉन ग्रेटर देन वन की, तो ये एक हाइपरबोला या अति परवलय का समीकरण व्यक्त करता है। तो देखिए चार तरह की केसेस की हमने बात करी है, एप्सिलॉन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जब होंगी उसके अकॉर्डिंगली ही पाथ कण का पाथ डिसाइड होगा। तो एप्सिलॉन जब ग्रेटर देन वन होगा तो कण का पद अति परवलय है, इक्वल्स टू वन है तो कण का पद परवलय है, लेस देन वन पर दीर्घवृत्त है और इक्वल्स टू जीरो पर वृत्त है। इस केस में हम ई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ई और एप्सिलॉन के बीच में रिलेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 से हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर जब हम एप्सिलॉन की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास ई की कंडीशंस भी आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर एप्सिलॉन की वैल्यू ज़ीरो है, वृत्त की हम बात कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन की वैल्यू ज़ीरो हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 9 में, तो ई की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आएगी एम के स्क्वायर अपॉन टू जे स्क्वायर, दिस इज विद नेगेटिव साइन। तो देखते हैं हम कक्षीय समीकरण, फर्स्ट हम ले रहे हैं वृत्तीय कक्षा। कॉनिक सेक्शन के इक्वेशन आर इक्वल्स टू पी अपॉन वन प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा से, इस इक्वेशन में अगर एप्सिलॉन की वैल्यू हम जीरो कर देंगे तो वृत्त का समीकरण प्राप्त होता है, क्योंकि वृत्त का पाथ होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो रख दी, इससे आर की वैल्यू आएगी स्मॉल पी दैट इज इक्वलेंट टू जे स्क्वायर अपॉन एम के, जो कि एक कांस्टेंट है। अतः गतिशील और आर की वैल्यू कांस्टेंट कब होती है, जब वृत्त की बात हम करते हैं वहाँ पर त्रिज्या क्या रहती है, नियत रहती है। दीर्घ वृत्त में त्रिज्या चेंज होती है, क्योंकि दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, तो उसकी एक अक्ष पर जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है और परपेंडिकुलर एक्सिस पे कम होता है, इसकी वजह से उसकी शेप दीर्घ वृत्त की शेप होती है। अतः गतिशील कण की कुल ऊर्जा ज्ञात करने के लिए अभी जो हमने बात करी एनर्जी और एप्सिलॉन इसेंट्रिसिटी के बीच में जो रिलेशन है उसमें हम एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तो ई की वैल्यू आती है माइनस एम के स्क्वायर अपॉन टू जे स्क्वायर। वृत्ताकार कक्ष में गतिशील पिंड की कुल ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है, नेगेटिव एनर्जी हमें मिलती है। सेकंड देखिए आवर्तकाल, चूँकि पिंड का कोणीय संवेग जे इक्वल्स टू होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा, इसलिए इक्वेशन 2 में ये वैल्यू हम पुट कर देंगे और आर और जे की जगह हमने एम आर स्क्वायर ओमेगा पुट कर दिया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब, ये हुआ के अपॉन एम। सिंस यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा रूट के अपॉन एम और आर की पावर वन अपॉन आर की पावर 3/2। सिंस आवर्तकाल जो होता है टी इक्वल्स टू होता है 2π/ ओमेगा, ओके, सो टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4π स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 से पुट कर देंगे, तो हमारे पास टी स्क्वायर आएगा 4π स्क्वायर एम अपॉन के आर क्यूब। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो टी स्क्वायर है टाइम पीरियड का स्क्वायर, मतलब कि जब ग्रह गति कर रहे हैं या पार्टिकल की गति हो रही है केंद्रीय बल के अधीन, तो उस केस में जब पार्टिकल वापस अपनी पहली अवस्था पे पहुंच जाता है जहाँ से उसने शुरुआत करी थी, उस अवस्था में पहुंचने के लिए उसे जो टाइम लगा दैट इज़ टी एक आवर्तकाल, तो जो टी का स्क्वायर होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा है, पाथ की त्रिज्या के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है आवर्तकाल का स्क्वायर। और यही कैपलर ने अपने थर्ड लॉ से भी कहा था, कैपलर के तृतीय नियम की वृत्तीय कक्षाओं के लिए वैलिडिटी बता रहा है। तो देखिए सेकंड पिंड का वेग इक्वेशन नंबर 4 में v इक्वल्स टू ओमेगा आर पुट कर देंगे हम यहाँ पर, तो गतिशील पिंड का वेग हमें मिल जाएगा v इक्वल्स टू रूट के अपॉन एम आर। अतः वृत्ताकार कक्ष में पिंड का वेग कक्षा की त्रिज्या के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे कक्ष की त्रिज्या बढ़ेगी, मतलब कि जो पार्टिकल का पाथ है उसकी रेडियस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, पार्टिकल का वेग जो होगा वो वैसे वैसे कम होता जाएगा, क्योंकि वृत्ताकार कक्ष में क्या हो रहा है, वेग कक्ष की त्रिज्या के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। तो त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे मोशन जो होगी वो कम वेलोसिटी से होगी, और त्रिज्या जैसे जैसे कम होती जाएगी
केंद्र के नज़दीक पहुंचेंगे वैसे वैसे वेग बढ़ेगा। तो सेकंड देखिए दीर्घवृत्तीय कक्षा, हम जानते हैं कि पिंड के पथ की उत्केंद्रता दीर्घवृत्तीय कक्षा के लिए क्या होती है, एप्सिलॉन लेस देन वन होता है और ई भी लेस देन जीरो होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो दीर्घवृत्तीय कक्षा के लिए जो इक्वेशन हमने निकाली थी दैट वाज एक्स प्लस एक्स नॉट होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। यहाँ अर्थ दीर्घ अक्ष ए की वैल्यू क्या थी, प्लस माइनस पी अपॉन वन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, और अर्ध लघु अक्ष सेमी माइनर एक्सिस बी इक्वल्स टू था प्लस माइनस पी अपॉन अंडर द रूट वन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। यहाँ पर p की वैल्यू होती है j स्क्वायर अपॉन एम के, एप्सिलॉन की वैल्यू e की टर्म्स में हमने निकाली थी की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, ये सभी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर दें या a और b की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आएगी k अपॉन 2e इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड b की वैल्यू आएगी j अपॉन रूट 2me। अतः समीकरण 8 से स्पष्ट है कि समान अर्ध दीर्घ अक्ष ए वाले सभी दीर्घ वृत्तों की ऊर्जाएं भी समान होती है क्योंकि ए जो है वो ई पर डिपेंड कर रहा है, और या हम कहें कि एनर्जी जो है वो केवल अर्ध दीर्घ अक्ष पर डिपेंड कर रही है। अतः सभी जिनकी जिन कणों के लिए अर्ध दीर्घ अक्ष की वैल्यू समान होगी उन कणों की ऊर्जाएँ भी समान होंगी। अब इसमें देखिए आवर्तकाल निकालते हैं हम। कैप्लर के द्वितीय नियम से केंद्रीय बल के अधीन गतिशील पिंड का क्षेत्रीय वेग डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर डी थी टावर डी टी इन टर्म्स ऑफ जे, दिस इज इक्वल्स टू जे ओवर टू एम। सिंस कोणीय संवेग जे जो होता है दैट इज एम आर स्क्वायर ओमेगा एंड ओमेगा इज डी थी टावर डी टी, इसलिए नाभिक से पिंड को मिलाने वाली रेखा के द्वारा आवर्तकाल टी में प्रसर्पित किया गया क्षेत्रफल ए इक्वल्स टू होता है पाई इंटू ए बी, ये होता है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। नाभिक से पिंड को मिलाने वाली रेखा द्वारा एक पूरे आवर्तकाल में, क्योंकि हम दीर्घवृत्त की बात कर रहे हैं तो पूरे आवर्तकाल में पूरा दीर्घवृत्त प्रसर्पित हो जाएगा। आवर्तकाल का मतलब हो गया एक राउंड पूरा काटना, और हम बात कर रहे हैं दीर्घवृत्त की तो पूरे आवर्तकाल में एक दीर्घवृत्त का पथ प्रसर्पित हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल किससे देते हैं हम, पाई इंटू ए इंटू बी, जहाँ पर ए और बी उसकी क्रमशः दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष और अर्ध लघु अक्ष को बताते हैं। सो इनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो टू टी, क्योंकि डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू जे अपॉन टू एम था, तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज लिमिट जीरो टू टी जे अपॉन टू एम इंटू टी डी टी। ओके सो यहाँ पर जे अपॉन टू एम बाहर आ गया तो जीरो से टी लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर बचा कैपिटल टी, और टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बी के टर्म्स में, दिस इज टू एम पाई ए बी अपॉन जे। इक्वेशन 8 से ए और बी की वैल्यूज अगर हम रख देंगे तो ऊर्जा ई के पद में आवर्तकाल टी इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर द रूट पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम अपॉन टू ई क्यूब, तथा ए के पद में आवर्तकाल। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हम ए के पद में ए की जो वैल्यू है ए इज इक्वल्स टू के अपॉन टू ई, तो इक्वेशन नंबर 11 में जो के अपॉन टू ई की टर्म है उसको हम ए की टर्म्स में पुट कर दें, ऊपर नीचे एक के से मल्टीप्लाई कर दें और फोर से हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको स्क्वायर कर लिया है, तो 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन के और हमारे पास बचेगा ए क्यूब। तो ये जो रिजल्ट है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब आ रहा है, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर एम और के सभी कांस्टेंट्स हैं, तो यहाँ पर जो आवर्तकाल का स्क्वायर है वो अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यह जो टाइम पीरियड है यह अर्ध लघु अक्ष बी पर निर्भर नहीं कर रहा है, केवल किस पर निर्भर कर रहा है, अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब पर निर्भर कर रहा है। यह कैप्लर का थर्ड लो है, तो हमने यहाँ पर कैप्लर का थर्ड लो भी अपने जो पाथ के समीकरण हैं केंद्रीय बलों के अधीन
वहाँ इससे ये डिराइव कर लिया है, तो इसका मतलब जो प्लेनेटरी मोशन के लिए कैपलर ने इक्वेशंस दी थी या सॉरी लॉज दिए थे दैट आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द सिस्टम्स विच आर मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्सेस। तो अब देखिए पिन का वेग भी हम देख लेते हैं इसमें ऊर्जा के संरक्षण के नियम से, सिंस E इक्वल्स टू होता है हाफ एम डी आर अपॉन डी टी होल स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर माइनस के अपॉन आर। ये हमने कुल ऊर्जा का व्यंजक निकाला था, क्योंकि कोणीय संवेग जे जो होता है दैट इज एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर जे स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे एम स्क्वायर आर फोर डी थीटा और डी टी का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। अगेन देखिए पिंड का कक्षीय वेग, सिंस v इक्वल्स टू होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में वी आर स्क्वायर प्लस वी थीटा स्क्वायर अंडर द रूट, सो ये इक्वल्स टू हम लिखेंगे वी आर को हम लिखेंगे डी आर ओवर डी टी और वी थीटा को हम लिखेंगे आर डी थीटा अपॉन डी टी। वैल्यू पुट कर देंगे सो ई की वैल्यू हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, टोटल वी स्क्वायर हो गया ये माइनस के अपॉन आर। अगर हम v की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ e तो v इक्वल्स टू होगा रूट टू अपॉन एम ई प्लस के अपॉन आर। हम जानते हैं कि दीर्घवृत्तीय गति में पिंड की जो ऊर्जा है e इक्वल्स टू माइनस के अपॉन टू ए होती है इन टर्म्स ऑफ a, जो अर्ध दीर्घाक्ष है उसके टर्म्स में एनर्जी की वैल्यू माइनस के अपॉन टू ए होती है। यहाँ हमने v की जो फैक्टर है इसमें हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो इक्वेशन नंबर 14 से हमें v की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ a। ओके तो यहाँ हमने ये मैथमेटिकल इसका फॉर्मुलेशन कर लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले लेक्चर में आगे की स्टडीज़ करेंगे। थैंक यू।